बिहार में भी राजनीतिक घमासान है। बिहार में नीतीश और बीजेपी में एक बार फिर से खटपट क्यों आ गई सामने, जानिए। आरती हो रही है, भवानी सहित नमामि एक कर परम समर्जन, नारियल फोड़े जा रहे हैं, शंख बजाए जा रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम तार किशोर प्रसाद और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे कटिहार तो पहुंचे थे अस्पताल का शिलान्यास करने, लेकिन सहयोगी जेडीयू के साथ विवाद की एक और नींव तैयार करके चले गए। पूरा मामला क्या है तो जरा मंच की इन तस्वीरों को देखिए। पोस्टर पर सूबे के मुखिया यानी नीतीश का नामो निशान नहीं है, नीतीश का चेहरा ही नहीं, नाम भी गायब है। कटिहार में 100 बेड के नए सदर अस्पताल और 100 बेड के जच्चा बच्चा अस्पताल का शिलान्यास कार्यक्रम था, लेकिन नीतीश का ही चेहरा नहीं होने से विवाद खड़ा हो गया। स्थानीय अखबारों के मुताबिक तो जेडीयू विधायक और स्थानीय नेता नाराज होकर कार्यक्रम से भी चले गए। हालांकि डिप्टी सीएम इसे चूक बता रहे हैं। नहीं देखिए, लगता है कोई चूक हुई होगी, वो ठीक हो जाएगा, मगर हम लोग तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही काम करते हैं और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं, तो जो भी अपने विकास के कार्य हो रहे हैं उनके मार्गदर्शन में और उनके नेतृत्व में ही होता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबों के नेता हैं और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे मार्गदर्शक हैं, दोनों नेताओं के नेतृत्व में काम करते हैं और इसी के कारण ये सारी चीजें दिख भी रही। आरजेडी ने इस पर तंज कसते हुए ट्वीट किया, बेचारे अनुकंपाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बीजेपी ने सरकारी कार्यक्रम और पोस्टर से बाहर कर दिया, देखना मई महीने तक लतिया और धकिया कर सत्ता से भी बाहर करेंगे, इन्हें कुर्सी के लालच में ऐसी ही अपमानजनक विदाई पसंद है। बीजेपी और नीतीश के बीच 4 महीने में ही अब तक कई मतभेद सामने आ चुके हैं। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो, ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पहनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की, जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की, तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।